बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, एटम्स द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। तो प्यारे बच्चों, हम मुश्किल केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं तो कुरान मजीद, तो अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान में कहा है कि हमने कुरान को ज़िक्र करने के लिए आसान फरमा दिया। तो है कोई ज़िक्र करने वाला? ज़िक्र अल्लाह की याद है, और अल्लाह को याद करने का बेहतरीन तरीका है कुरान मजीद को तर्जमे के साथ पढ़ना। तो अपने ऊपर लाजिम कर लें कि आपने रोज़ाना कम अज़ कम 3 आयात कुरान की बातरजमा पढ़नी है। तो हम आज करेंगे अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आप इससे पहला वाला लेसन भी देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज़ काइंड ऑफ लाइक अ होम एड्रेस फॉर एलिमेंट्स। अगर आपने किसी एलिमेंट के घर का पता करना हो तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से हमें पता चलता है। इलेक्ट्रॉन्स लिव इन ऑर्बिटल्स, न्यूक्लियस के गिर्द वो इलाका जहां इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है। हम पहले चैप्टर में अच्छी तरह देख चुके हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस शेल्स एंड सब शेल्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हमने देखा था कि सब शेल्स को एस, पी, डी और एफ का नाम दिया गया है, जो कि इनकी अपनी एक ख़ास शक्ल होती है। तो ये एस, पी, डी, एफ के मुखफ़ हैं, और आर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और ये हरूफ इसलिए दिए गए हैं कि ये स्पेक्ट्रम लाइंस की वजाहत से लिए गए हैं। जब इनकी एमिट होती हैं शुआएं तो ये एक पैटर्न बनाते हैं। तो पिछले लेसन में भी हमने देखा था कि एक शेल में सब शेल्स होते हैं और फिर सब शेल्स में आर्बिटल्स होते हैं। जैसे ये एक शेल है, उसमें एस और पी सब शेल्स हैं और फिर उनमें आर्बिटल्स दिखाए गए हैं। द मोस्ट स्टेबल ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एटम इज़ द वन, किसी भी एटम की मुस्तहकम इलेक्ट्रॉनिक सूरत जो है उसको ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं, इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल, जब उसके इलेक्ट्रॉन तवानाई के कम दर्जे पर होते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स फिल द शेल्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स बढ़ती हुई तवानाई के हिसाब से शेल फिल करते हैं, यानी पहले वो कमतर एनर्जी का शेल फिल करेंगे और फिर उससे ज़्यादा एनर्जी का। लोअर एनर्जी लेवल इज़ ऑक्यूपाइड फर्स्ट, देन हायर एनर्जी लेवल एंड सो ऑन। पहले कम तवानाई और फिर ज़्यादा तवानाई का दर्जा हासिल किया जाता है। और ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन किस शेल में आते हैं? तो ये हम एक फार्मूला हम पहले भी सीखा था, 2N2 के, 2 इज़ द मेन इलेक्ट्रॉन शेल और जो है उसको हम मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ शेल्स टू अकोमोडेट द इलेक्ट्रॉन इज एज फॉलोज। 1, 2, 3 एनर्जी लेवल्स हैं शेल लेटर्स जो हैं, KLMNOP हैं। तो 1 में 2 हैं, 2 में 8 हैं, 3 में 18 हैं, और जो 4th लेवल है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो आ सकते हैं वो 32 हैं। तो एनर्जी लेवल्स को हम 1, 2, 3 से भी रिप्रेजेंट करते हैं और शेल लेटर से भी। तो एज़ वी नो देर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द एनर्जीज ऑफ द सब शेल्स विद इन अ शेल। हम जानते हैं कि एक शेल के अंदर सब शेल्स का तवानाई का भी थोड़ा सा लेवल फ़र्क होता है। द सब शेल एस इज फिल्ड फर्स्ट, देन इट्स पी सब शेल एंड देन अदर सब शेल्स आर फिल्ड। पहले सब शेल एस और फिर पी और बाद में बाकी सब शेल्स जो हैं वो फिल होते हैं या इलेक्ट्रॉन से भरे जाते हैं। सब शेल कितने इलेक्ट्रॉन्स को जगह दे सकते हैं? एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। पी में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं,
डी में 5 ऑर्बिटल्स हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स पर ऑर्बिटल, और एफ में 7 ऑर्बिटल्स हैं और 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। एस सब शेल कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, एस सब शेल 2 इलेक्ट्रॉन को जगह देता है, और जो पी सब शेल है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स को जगह देता है। पी सब शेल कैन अकोमोडेट 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम देखते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड आयंस, कि हम एलिमेंट्स एंड आयंस की कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकते हैं। कीप इन माइंड, अपने ज़हन में रखें, वी शुड नो 3 थिंग्स, कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने बैठें तो हमें पहले से 3 चीज़ें हम जानते हैं। वो 3 चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले तो हमें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, क्योंकि एटॉमिक नंबर और या फिर इलेक्ट्रॉन नंबर, दे आर इक्वल। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम। दूसरी चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो सीक्वेंस ऑफ शेल एंड सब शेल अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल, जो हम पहले सीख चुके हैं कि पहले हम लोअर एनर्जी लेवल फिल करेंगे, उसके बाद फिर हम हायर एनर्जी लेवल की तरफ चलेंगे। तीसरी बात जो है वो है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी प्लेस्ड इन डिफरेंट शेल्स एंड सब शेल्स। हमें ये भी पता होना चाहिए कि सब शेल्स में और शेल्स में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब हम आते हैं, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट हैविंग 11 इलेक्ट्रॉन्स, वो हम 11 इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स विल गो टू के शेल विच हैज़ मिनिमम एनर्जी, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के शेल में जाएंगे कि उसकी कम एनर्जी है, और हमें पता है कि इट कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन को जगह दे सकता है, तो हम 2 लिखेंगे। आफ्टर दिस इलेक्ट्रॉन विल गो टू एल शेल, इसके बाद इलेक्ट्रॉन एल शेल में जाएंगे, और हमें पता है कि एल जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है। एल शेल कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल 8 इलेक्ट्रॉन को जगह दे सकता है, हमने 8 लिखा। द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन गो टू द एम शेल, बाकी बचने वाला इलेक्ट्रॉन एम शेल में जाएगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है 2, 8 और 1 होगी। के एल एम जो है, के में 2, एल में 8 और एम में 1। इट इज़ नेसेसरी टू राइट सब शेल, तो सब शेल जो है वो लिखना ज़रूरी है, तो हम 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1 लिखेंगे। आप ये देख रहे हैं कि इसमें 2 जो है वो एनर्जी लेवल है, p एनर्जी सब लेवल है, और जो सुपर स्क्रिप्ट है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हम देखते हैं कि ऑफबॉ प्रिंसिपल क्या है। ये जर्मन लफ्ज है जिसके मानी है तामीर करने के, तो ये डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग जो है एनर्जी से हमें सब शेल्स लिखने में मददगार होता है। अगर हम क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो हमें पता है इसका एटॉमिक नंबर 17 है, और इसमें ये माइनस चार्ज है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है, 18 इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, तो ये के एल एम 2, 8 और 8 आ जाएगा। अब हम ऑफबॉ प्रिंसिपल के मुताबिक इसको अगर फिल करते हैं तो ये 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6 बनेगा। पहले हमने के लेवल फिल किया, फिर हम एल में आ जाएंगे और फिर एम लेवल में। अब नेक्स्ट है, एन एलिमेंट हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स एम शेल, फाइंड आउट इट्स एटॉमिक नंबर, उसका एटॉमिक नंबर पता चलाएं। हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है, हमें पता है कि इफ़ देर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स इन एम शेल, इट मीन्स के एल एंड शेल्स आर कम्प्लीटली फिल्ड, कि अगर 5 इलेक्ट्रॉन एम शेल में हैं तो के और एल भर चुके हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2K, 8L और 5M।
तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 15, और एज वी नो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, सो एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट इज 15, इसका एटॉमिक नंबर 15 है। उम्मीद है आपको लेसन पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक और